एमएस वर्ड में काम करते समय यदि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं तो हमारा समय बचता है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके हम अपनी वर्कशीट को पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक को प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में सिंबल वाले पोर्शन को ऑन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में सिंबल्स आने लग गए हैं। इसमें आप जैसे ही आप डैश का प्रयोग करते हैं, मैं डैश को प्रेस कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डैश आने लग गया है। मैं यहाँ पर तीन डैश को क्लिक करूँगी। मैंने तीन बार डैश किया, 1, 2 और 3। जैसे ही मैं 3 बार डैश लगाया और इसके बाद एंटर किया तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर सिंगल लाइन लंबी सी खिंच के आ गई है। इस तरीके से अगर आपको अपनी वर्कशीट में लाइंस लानी है तो आप सिंपल तीन डैश का प्रयोग करके लाइंस को ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइन को सिंगल की जगह डबल लाइन आनी है तो आप सिंपल इक्वल टू को 3 बार प्रेस कर दीजिए, 1, 2, 3। इक्वल टू को प्रेस किया और उसके बाद आपने एंटर कर दिया तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर डबल लाइन आ गई है। इसी तरीके से यदि आप स्टार को 3 बार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइन किस तरीके से आ गई है। आप स्टार को 3 बार प्रेस करिए, 1, 2 और 3 और उसके बाद एंटर करिए तो इस तरीके से आपकी लाइन चेंज हो गई। तो आप जिस भी तरह की लाइन चाहते हैं उस तरह की लाइन इस तरीके से अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3 एंड एंटर करते ही आपकी इस तरह की लाइन आ जाएंगी। तो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करके आपके स्क्रीन पर डिफरेंट लाइंस आ जाती हैं। ये तो है लाइन इंसर्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इंसर्ट पर जाइए और वहाँ पर टेबल एंटर करिए, फिर उसको अपने अनुसार छोटा करिए और बड़ा करिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप फिर से सिंबल वाला कीबोर्ड खोलिए और वहाँ पर से आप सबसे पहले प्लस साइन को प्लस लीजिए और उसके बाद आपको जितनी भी बड़ी टेबल चाहिए उतने डैश आप लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड उसके बाद फिर से प्लस को क्लिक करिए और फिर आप इस तरीके से डैश लगा लीजिए जितनी भी आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है, उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी चाहिए, और उसके बाद आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्लस लगाएंगे पहले और उसके बाद यहाँ पर फिर से प्लस लगाएंगे और ये प्लस लगाया और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर टेबल बनकर आ गई। तो ये बहुत आसान तरीका है, प्लस प्लस उसके बाद डैश 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 और उसके बाद फिर प्लस फिर डैश 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 फिर प्लस। जितनी बार आप प्लस के बीच में डैश लगाएंगे उतनी बार आप उतने ही कॉलम आपके टेबल में बनकर आ जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी वर्कशीट के अंदर टेबल का निर्माण कर सकते हैं। टेबल के निर्माण के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर मैथ की जब हम वर्कशीट बनाते हैं तो मैथ की वर्कशीट बनाते समय हम किस तरीके से मैथ के टूल्स इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है। इस प्लस के साइन को टिक करते ही यहाँ पर एक लिखा हुआ आ जाता है इक्वेशन। चलिए देखते हैं, इसमें इसको हम टिक करते हैं। जैसे ही हम इसे टच करते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन, ये देखिए ये इक्वेशन लिखा हुआ आ गया। आपको इसे टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं आपके जो राइटिंग एरिया है उस पर टाइप इक्वेशन हेयर लिखा हुआ आ जाता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 2/5 + 3/5, इसको आप कैसे लिखेंगे? जब भी आप नॉर्मल लिखते हैं तो आपका 2/5 करके लिखा हुआ आता है, लेकिन 2/5 जो प्रॉपर वे होता है वो लिखा हुआ नहीं आ पाता है। तो हमें उसे कैसे लिखना है? आपको सिंपली इस इक्वेशन वाले एरिए पर क्लिक टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं आपका कीबोर्ड खुल जाता है और यहाँ से आप लिखेंगे 2 और ये स्लैश ए, ये आप इसमें स्लैश लिखेंगे और ये लिखा आपने 5। अब देखिए इसके बाद आप प्लस प्लस और 3/5 इक्वल टू, जैसे आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो 2/5 था वो 2/5 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जब आप इक्वेशन
के अंदर जाकर काम करते हैं तो आपकी मैथमेटिकल्स जो भी इक्वेशन होती हैं वो प्रॉपर वे में लिखकर आती हैं। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। हम यहाँ पे इसे एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं आपका ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया। अब आपको और इक्वेशन लिखनी है तो कैसे जाएंगे, फिर से आप प्लस पर जाइए और यहाँ से आप इक्वेशन पर क्लिक करिए। जैसे आप इक्वेशन पर क्लिक करते हैं आपकी इक्वेशन टाइप इक्वेशन हेयर नीचे आ जाता है। आपको लिखना है एक्स की पावर 2। तो आप x की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, x लिखना है। x लिखा आपने, यहाँ पर x लिखा और उसके बाद आपको कैरेट का साइन लगाना है। कैरेट का साइन आप कैसे लगाएंगे, ये लगा दिया आपने कैरेट का साइन और इसके बाद आपको लिखना है 2। ये लिखा आपने 2 और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आपने एंटर प्रेस किया आपने देखा कि यहाँ पर एक्स की पावर 2 लिखा हुआ आने लग गया। इसी तरीके से आपको मान लीजिए लिखना है H2 लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। H2O लिखना है या H2 लिखना है या H2 लिखना है, कोई भी इक्वेशन लिखनी है आपको इक्वेशन लिखते समय सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि H2 को हम कैसे लिखेंगे। फिर से हम प्लस पर जाएंगे और हमने फिर से इक्वेशन किया, आप देखेंगे इक्वेशन आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे आपने H और आपने लिखा यहाँ पर 2 लिखना है आपको H2। तो उससे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे अंडरस्कोर। कैसे लगाएंगे, इक्वेशन के आप इसमें सिंबल ऑन करेंगे और ये अंडरस्कोर आ गया। इसके बाद अंडरस्कोर के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे H और 2। अब ये देखिए और इसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे आपने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपके H2 लिखा हुआ आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके आप बहुत आसानी से साइंस की या मैथ की वर्कशीट बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी इसमें मैं आपको और बताने वाली हूँ। इसमें आपको जब अंडर रूट लाना होता है, अंडर रूट लाने के लिए आपको बहुत मैथ में अंडर रूट की बहुत ज़रूरत पड़ती है और अंडर रूट लाने में यहाँ पर कोई सिंबल भी नहीं होता जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो अंडर रूट हम कैसे लाएंगे, फिर इसके लिए हम सीधे यहाँ प्लस पे जाएंगे, इसे टिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन है, तो इक्वेशन को ले आए। इक्वेशन को लाने के लिए के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है \SQRT। कैसे करेंगे, चलिए सिंबल ले आते हैं। सिंबल ला के आप \ लीजिए, ये देखिए ये \ आ गया। इसको लेके आपको करना है SQRT। SQRT के बाद आपको स्पेस लेना है। जैसे आप स्पेस लेंगे आपका अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है अंडर रूट एक्स की पावर 2। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया है, एक्स और उसके बाद आपको कैरेट लगाना है। यहाँ से आप ये यूज़ किया आपने और फिर आपने लिख दिया 2। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप अंडर रूट एक्स की पावर 2 लिखा हुआ आने लग गया। इसी तरीके से आपको अगर 4 अंडर रूट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए फिर से आप इक्वेशन पर जाइए, इक्वेशन पे गए और इक्वेशन पर जाके आपने क्या करना है, आपको फिर से लगाना है \ ये आपने लिया \ और \ लगाने के बाद आपको प्रेस करना है QDRT। ध्यान से देखिए QDRT और उसके बाद आपको स्पेस देना है। जैसे आप स्पेस देंगे ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बना हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप इन शॉर्ट ट्रिक को अपनाकर अंडर रूट को भी लिख सकते हैं। अब आपको एक जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो एक आपका आता है बार लगाने के लिए, तो वो बार आप कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। हम फिर से जाते हैं इक्वेशन पर और इसमें पहले हम यहाँ पे स्पेस एंटर कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें जाते हैं, फिर से जाएंगे इक्वेशन पर जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या लगाना है बार, तो फिर से आप क्या दबाएंगे बैक स्पेस लेंगे आप, ये देखिए नीचे बैक स्पेस आ गया। बैक स्पेस के बाद आपको लिखना है ओवर बार। क्या लिखना है आपको, ओवर बार, OVER ओवर बार, ओवर बार। अब आपको लिखना है मान लीजिए x+y, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप लगाएंगे ब्रैकेट लिया
और आपने लिखा x और प्लस एंड y। आपको y कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे फिर से जाइए और ये लिख दिया आपने y, और इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी x प्लस y के ऊपर बार बना हुआ आ गया। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं मैथ की, ये मैथ की वर्कशीट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन ट्रिक्स के बिना आप मैथ की वर्कशीट को आसानी से नहीं बना सकते। तो इन ट्रिक्स का प्रयोग करके आप आसानी से मैथ की वर्कशीट बना सकते हैं और साइंस की वर्कशीट बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you.